expecting to laugh a lot because whatever little I've seen in the trailer, it looks like a really funny film, and I think Manish Paul, Anupam Kher combination should really work well. So yeah, I'm looking forward to a good film. See, I'll be very honest, I'm here for Manish Paul, he's a very dear friend, and at least, I mean, he has always kept me in splits, so I hope the film works and, you know, does really well for him. He's very hardworking. Well, if I get an offer from a really nice filmmaker, of course I will do it. Yeah, thank you. बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ बिकॉज ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और अभी हम लोगों ने पिक्चर भी देखी है लास्ट टू डे में छटके ना जा कुड़ी एक कॉल तू मेरे बेजा नाउ अपकमिंग सिंगर यहां पे प्रेजेंट हो गए हैं देखा फटा पोस्टर निकला हीरो ओके मनीष जी कुछ ही घंटे बाकी रह गए आपकी फिल्म को रिलीज होने में तो आपकी ग्रैंड एंट्री देखिए मैं गाना गाने का आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं यार एक्साइटेड तो है ही मूवी आती है तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है आई थिंक हम मुंबई इसीलिए आए थे बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं पिक्चर आ रही है ऑडियंस का प्यार मिले बस मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता मैं एंटरटेनमेंट में बिलीव करता हूँ मैंने आज तक बिना एक्सपेक्टेशन काम किया है लोग आए लोगों ने आज तक बहुत प्यार दिया है वही प्यार लेके आए सिनेमा हॉल में मूवी देखें इंजॉय करें द वन एंड ओनली मिस्टर अमिताभ बच्चन मतलब बताओ यार सवाल नहीं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार बिकॉज आई लाइक द फिल्म आई वॉच इट यस्टरडे एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस यार फीडबैक तो अच्छा ही मिला ऑनेस्टली मतलब ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा फीडबैक आया है लोग पसंद कर रहे हैं और मैं यही चाहता हूँ बस भर भर के आए और फैमिली फिल्म है इंजॉय करें आके बिल्कुल व्हाई नॉट मतलब ये तो जाहिर सी बात है बच्चन सर प्लीज़ हमारी फिल्म देखिएगा आप देखने के लिए बस हाँ करें मैं स्पेशल स्क्रीनिंग रखूँगा I will be there at the special screening for sure to watch the film with him. यार मैं अभी एक्चुअली खुद ही घुसा हूँ मैं देख रहा हूँ कौन कौन आ गया तो आई थिंक एक काम करते हैं फटाफट जाके हम जरा देख लेते हैं कौन कौन पहुँच गए फिर 10 मिनट में वापस आते हैं और थोड़े सवाल जवाब करते हैं ठीक है थैंक्स लॉट
आई कांट हियर यू. यू नो माय डेब्यू फिल्म एक्चुअली वाज अ मलयालम फिल्म कॉल्ड किंग लायर. दिस इज माय फर्स्ट हिंदी फिल्म विच आई एम अ पार्ट ऑफ. सो इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ स्पेशल बिकॉज मैं पहली बार खुद को एक हिंदी फिल्म पे पर्दे पे देखूंगी. इसके बाद मेरी एक और फिल्म आएगी जिसका नाम है भानुप्रिया वर्जिन. बट दिस विल बी स्पेशल बिकॉज इज माई फर्स्ट हिंदी फिल्म. And the star cast is so amazing. The storyline is very nice. It's a comedy thriller, family film. So I'm really hoping that ये film बहुत अच्छा करे और लोग इसको बहुत पसंद करें. जिसने भी अभी तक trailer देखा है सबने यही बोला है कि it's very nice. That the star cast is amazing especially and so अच्छा ही response मिला है. So I was abroad एक असाइनमेंट के लिए विभिन्न कंट्री के लिए और उसके बाद मैंने बंजी जंपिंग ट्राई की. टू माई लक यू नो मेरा पैर वेलक्रो के जो क्लच से छूट गया. थैंकफुली लेक के ऊपर था तो मैं जाके पानी में गिरी बहुत ज़ोर से. बट अगर पानी नहीं होता नीचे तो आई थिंक मेरा थक माथा फूट गया होता. सो आई एम वेरी थैंकफुल. इट्स एक्चुअली प्रीटी मच अ मिरेकल एंड आई थैंक गॉड एंड आई थैंक ऑल माय फ्रेंड्स एंड माय फॉलोअर्स एंड माय फैंस फॉर ऑल द लव एंड रिगार्ड्स एंड द बेस्ट विशेस. सो आई थिंक आई ओव इट टू देम. थैंक यू. चलो रोल है सर. आपको ठीक सेंटर देखना सवाल यहाँ कहीं से. तो सर बाबा ब्लैक शीट की स्क्रीनिंग के मौके पर आप यहाँ पर पहुँचेंगे, कितने एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो इसलिए क्योंकि मनीष की पिक्चर है और मनीष मेरा सबसे पुराना दोस्त है बॉम्बे में. तो उसको सपोर्ट करना जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी मेरे लिए. तो आई होप ये फिल्म अच्छा करे ताकि मनीष और आगे जाए. मनीष है मंजरी प्रोड्यूसर, तो काफ़ी कॉमेडी है, कॉमेडियन है. मनीष एक ऐसा इंसान है जो अगर आपने उसे करियर ग्राफ को देखा है तो वो हमेशा अपने आप को री इन्वेंट करता है. तो चाहे वो उसने रेडियो से शुरू किया हो, फिर सीरियल्स में गया हो, फिर उसके बाद हैंकरिंग में किया हो, फिर उसके बाद अभी फिल्म्स कर रहा है, तो अभी म्यूज़िक वीडियोस भी कर रहा है और वो गाना भी गा रहा है. और मतलब ही इज कॉन्स्टेंटली री इन्वेंटिंग हिमसेल्फ एंड दैट्स द ओनली वे टू सर्वाइव आई थिंक. गुड लक मनीष, आई लव यू. Hi, this is Manjari Fadnis and you're watching Archie on the Go. Do subscribe. Hi, this is Manjari Fadnis. Please, what is it? Archie on the Go. You're watching me on Archie on the Go. Hi, this is Manjari Fadnis and you're watching me on Archie on the Go. Please do subscribe. Thank you.
थैंक यू सो मच। रास्ता खाली मेरा मैंने करवा दिया था ना। We can hear somebody saying hello. Thank you. Thank you. चलो रोल यार, इतनी बढ़िया कास्ट है, ये इतना बड़ा पागल इंसान है इसमें, खेर साहब है इसमें, मंजरी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है इसमें, मेरे सारे ही दोस्त है एक्चुअली, विश्वास इज अ डियर फ्रेंड, प्राची इज अ डियर फ्रेंड, सो आई विश देम ऑल द लक। एंड जो जितना प्रोमोज में देखा है वो बहुत मैडनेस नजर आता है प्रोमोज में, सो आई एम होपिंग फॉर अ गुड लाफ राइट एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ देम मस्ट हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। नहीं, ये एक्चुअली कितने दिन काम नहीं है उसका लुक है, जितने दिन काम नहीं उतने दिन दाढ़ी। नहीं, एक्चुअली एक फिल्म के लिए कर रहा हूँ थोड़ा सा, उसका क्या कहते हैं अनाउंसमेंट हम जल्दी करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा ये मूछ वूछ और दाढ़ी वाड़ी पढ़ाई जा रही है, हिंदी। किस तरह का किरदार करने वाले आप, मैं जल्दी बताऊँगा सब कुछ। नहीं, बेसिकली थोड़ा सा है, इनफैक्ट हम जल्दी उसके अनाउंसमेंट भी करेंगे तो पता चल जाएगा क्या है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये मतलब मुंह में आती रहती है मूछ, मेरे को आदत नहीं है इतनी बढ़ाने की, बट वो थोड़ा रोल के लिए कर दिया। आई एम लविंग इट, इनफैक्ट आई एम रियली लाइकिंग इट। चाहे को जो जैसा भी हो, हर बंदा दिलवाला होता है यार, यू नो अपने अपने तरीके से होते हैं, बट लाइक आई सेड कि ये सारे टैलेंटेड बंदे एक साथ आए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ मस्ती की होगी उन्होंने, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दैट मैडनेस। थैंक यू। Hi, this is Shreya Sarpade and you're watching me on Archie on the Go. Thank you.
जब मैंने ट्रेलर देखा, मंजू इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड वी वर्क टुगेदर कपल ऑफ टाइम्स, सो व्हेन जब प्रोमो आया तो शी वाज़ द फर्स्ट वन टू लाइक सेंड इट टू मी. सो मैंने जब प्रोमो देखा आई रियली रियली लाइक्ड इट एंड आई थिंक ट्वीटेड अबाउट इट आल्सो एंड आई सेड इट्स रियली नाइस. एंड टुडे द फिल्म रिलीजिंग, आई विश विश्वास ऑल द वेरी बेस्ट, मनीष एंड ऑफ कोर्स मंजरी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म. द प्रोमो इज लुकिंग रियली नाइस, क्वाइट एक्साइटिंग. या जी, एक्चुअली ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू सी द मूवी फॉर हिम. नहीं, तेरे साथ कर चुके ना काम, क्योंकि मनीष की फिल्म अभी काफी टाइम बाद आ रही है ना. टाइम बाद. सो आई एम अ लिटिल लाइक ओके, आई वांट टू सी, आई सी योर वर्क, यू डू वेरी वेल. तो मंजरी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड यू नो इट्स लवली टू वर्क विद हर. आई एम श्योर यू वाज हैड अ नाइस टाइम विद हर. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट मनीष, आई एम एक्साइटेड अबाउट सीइंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सर. यू टू. हाँ, ये तो बहुत पुराना टैग लाइन था अपने महमूद साहब का था ना, तो या तो इस वहाँ से चल रहा है. तो बिलीव करते हैं, मतलब हर किस्म के लोग दिलवाले होते हैं, बट वो मेरे ख्याल से महमूद साहब ने उसको बना दिया कि काले हैं तो क्या वो दिलवाले जी. मैं आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर दैट वेन एवर समबडी इज मेकिंग द फर्स्ट फिल्म, दे कम विद अ लॉट ऑफ लाइक एंथुजियाज्म एंड lots to give to the industry, and most people's first films generally end up being one of some of the best films. Yes. आप किसी भी सूरज बड़जात्या को देख लो, आदित्य चोपड़ा को देख लो, you know, so many people who've done their first films generally are, so I'm hoping that this is one of your better films and do many more such great films, you know, in the future. Thank you. आई विश मनीष ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द लव एंड ऑल द लक इन द वर्ल्ड. एंड आई थिंक बहुत कमाल कर रहा है यार, कमाल कर रहा है इन द सेंस की फिल्म आफ्टर फिल्म. एंड आई थिंक दिस वन, इसके सारे ट्रेलर जितने भी मैंने देखे, दे आर रियली प्रॉमिसिंग, रियली आउटस्टैंडिंग. सो आई रियली होप दैट दिस डज वंडर्स एंड और मतलब कमाल कर जाए फिल्म. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मनीष एंड ऑल द लव यार. हाँ भाई जी, हाँ जी हाँ.
अरे बहुत बिलीव करते हैं काले हैं पर दिल वाले हैं, तो क्या हुआ, रंग से थोड़ी दिल बदलता है, रंग आपका काला हो गोरा हो सांवला हो जो भी हो, दिल वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, दैट्स द मोटिव. बिल्कुल. ओके सर. हाँ जी जी जी. क्या आपकी प्लानिंग है, क्या यार? बिल्कुल, सबकी प्लानिंग होती है, मेरी भी प्लानिंग है और मेरी भी प्लानिंग बहुत जल्दी सफल हो जाएगी और फिर आपके साथ ऐसे खड़े रहेंगे अपनी फिल्म की बात करते हुए. वेल, अब ये सारी बातें यहाँ पे ना करें तो बहुत बेहतर है मेरी जान. और बताइए जी. हल्की सी बियर्ड नहीं, बहुत ज्यादा बियर्ड है मेरे भाई. हाँ तो क्या क्या. अच्छा, इतना तो मैं बता सकता हूँ कि ये वाला जो लुक जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए, जिसकी शुरुआत होने वाली कुछ ही महीनों में, उसके बारे में भी आपको जल्दी पता चल जाएगा एंड उसी उसी प्रोजेक्ट के लिए तैयारी चल रही है. या भाई कुछ भी पूछता है भाई. मनीष, ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे दिस फिल्म डज वंडर्स फॉर यू एंड फॉर द टीम एंड एवरीबॉडी हु इज वॉचिंग दिस राइट नाउ. गो इन टू योर थिएटर्स नियर थिएटर्स नेक्स्ट टू योर होम्स एंड जस्ट गो वॉच बाबा ब्लैक शिप एवरीबॉडी. थैंक यू. बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड मनीष इज सच अ डियर फ्रेंड. टू सी हिम ऑन अ बिगर स्क्रीन इज आई एम मोर एक्साइटेड बिकॉज मैं काफ़ी उनके शोज देख चुकी हूँ एंड आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट प्रीमियर जो मनीष पॉल के प्रीमियर में मैं आई हूँ एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड मंजरी ऑफकोर्स शी इज ऑल्सो अ फ्रेंड सो विश हर ऑल्सो द बेस्ट. And I wish this whole star, crew and star cast have done a fabulous job. I'm actually looking forward and waiting to see the thrills of the film. Like I'm a big fan of a comedy film. So मुझे इस फिल्म के बारे में अभी तक मैं सिर्फ ट्रेलर देखी हूँ, तो आज मैं पिक्चर देखने आई हूँ, तो I'm just hoping that it's going to be a great film, a great entertainment. See, ज़रूर देखेंगे आप. जूली वॉज क्या बोल सकते हैं, बॉलीवुड में फॉर मी इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई एंटर्ड फ्रॉम जूली. तो अभी आई एम बैक टू साउथ. साउथ में काफ़ी फिल्म्स कर रही हूँ. अभी वापस मैं अभी सेकेंड फिल्म बॉलीवुड की मैं अनाउंस करने वाली हूँ बहुत जल्द. बातें चल रही है एंड वेरी सून मीडिया को पता चलेगी मैं कौन सी फिल्म कर रही हूँ. बट येस, एज ऑफ नाउ आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ साउथ इंडियन फिल्म्स. सो उसमें अभी मैं बिजी हूँ क्योंकि जूली केप मी बिजी फॉर 2 ईयर्स. तो 2 साल में कुछ कर नहीं पाई वहाँ पे, तो मुझे करना था बिकॉज दैट्स द इंडस्ट्री आई हैव कम फ्रॉम. सो आई हैव गॉन बैक. मैं काफ़ी अभी 4 फिल्म शुरू कर चुकी हूँ एंड माई सेकेंड फिल्म इन बॉलीवुड इज़ गोइंग टू बी अनाउंस्ड वेरी सून. नहीं, मैं काफ़ी अलग अलग जॉनर के फिल्म्स कमिट कर चुकी हूँ. एक है विच इज़ बेस्ड ऑन स्नेक, जो स्नेक के बेस्ड है, इट्स अ थ्रिलर फिल्म. और एक है कम्प्लीटली रोमांटिक और द थर्ड फिल्म दैट आई हैव साइंड इज कम्प्लीटली एक्शन बेस्ड. सो कहाँ पे, बॉलीवुड में? वो तो अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ बिकॉज अभी तक बातें चल रही है एंड वंस दैट्स कन्फर्म्ड वो ऑफिशियली अनाउंस होगा. सो आई एम आस्क्ड नॉट टू स्पीक अबाउट द फिल्म. तो देखते हैं, वो एक बार बहुत जल्द होएगा अनाउंसमेंट. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट. बट थैंक्स टू जूली बहुत सारा लाइक अपॉर्चुनिटीज इट्स ओपन इन बॉलीवुड. सो आई एम लुकिंग फॉर. हाँ जी, IPL भी आ रहा है तो हम ऐसे देखेंगे आपको करते हुए. नहीं जी, बहुत 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 साल हो गए अभी IPL और क्रिकेट पे ध्यान नहीं है मेरा बिकॉज आई एम बिजी विथ माई ओन वर्क एंड माई ओन फिल्म. ऑफकोर्स आई एम अ स्पोर्ट्स लवर. आई लव वॉचिंग क्रिकेट. आई लव क्रिकेट एंड जब मौका मिलता है तो मैं देखती रहती हूँ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट पार्टिसिपेटिंग इन इट माई इन्वॉल्वमेंट हैज़ बीन लेस इन द लास्ट 2-3 ईयर्स. थैंक यू.
बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि दो तीन वजह हैं। एक तो फिल्म जिसने लिखी है वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, संजीव जी, उन्होंने डायलॉग लिखे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो प्रॉबेबली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा छोटा भाई मनीष पॉल इसमें है और सभी जानते हैं कि वो कितने अच्छा एक्टर हैं, कितने उनकी कॉमिक टाइमिंग कितनी अच्छी है। अनुपम जी हैं फिल्म में जिन्होंने बहुत सुपर्ब काम किया है लाइक ऑलवेज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं एक प्ले करने वाला हूँ जिसमें मेरे साथ मंजरी है, तो मंजरी के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर कास्ट। फैंटास्टिक फिल्म। इट्स लवली, इट्स आई वुड से के इट्स अ मस्ट सी। ओके सर, ये विश्वास सर की ये डेब्यू मूवी है, ऐसा डायरेक्टर इसके बारे में पूछना। सॉरी क्या कह रहे हैं? विश्वास सर की डायरेक्शन है। जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगे डायरेक्शन के बारे में? उन्हें भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और क्या कहना चाहूँगा, अब तो फिल्म देख चुका हूँ तो मुझे मालूम है कि उन्होंने अच्छा काम किया है और उनसे यही उम्मीद थी क्योंकि वो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके खून में सिनेमा है और वो लिखते भी बहुत अच्छा हैं और ये फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की है, तो मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें हर वो एलिमेंट है जो एक कमर्शियल हिंदी फिल्म में होनी चाहिए। और आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म रिलीजिंग टुमारो इन द थिएटर्स एंड द पब्लिक कमिंग एंड वॉचिंग इट। थैंक यू वेरी मच। I mean, I've worked with both the hero and the heroine, Manish and Manjari. So it's going to be lovely to watch them together on screen. And I'm sure it's going to be like super fun. So yeah, I'm really excited. Of course, I watched the trailer. Yes, I've seen it. One thing you like the most about the trailer, which show you have? Any what? You have watched the trailer. Yeah. I like it because it looks like a very light comedy, you know, which like the entire family can just go and watch it and just have like, you know, a good time. So I really like that. And I really love Anupam Kher sir in the trailer as well. Okay, Manish is absolutely stunning. And what do you like to say about the body transformation of the Manish? I mean, I remember the Mickey Virus days and he was so hardworking. So I mean, I've seen the hard work he has done before and he has just done it now again, so it's really amazing. It's really like, you know, hats off, because it is a lot of hard work, you know, to reach, to get that body and all, so, and a lot of dedication, so that's and, nice. And tagline is Kali hai par Diwali hai, aap believe karte hai ye line mein? Matlab? Kali hai par Diwali hai. Dilwale hai. Kali hai par Diwali. हाँ, मतलब इट्स अ वेरी कैसे बोलते हैं, quirky फनी लाइन। हाँ तो अच्छा है। ओके, आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है। एक्सक्यूज मी, वी हैव नॉट कम हियर टू टॉक अबाउट क्रिकेट, वी हैव कम हियर टू टॉक अबाउट बाबा ब्लैक शीप। थैंक यू सो मच। हम आपको स्पॉट करेंगे एलजी स्टेडियम पे। ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज माई फ्रेंड मंजरी, शी इज़ द पार्ट ऑफ द फिल्म, शी इज़ द हीरोइन ऑफ द फिल्म, एंड जो मैंने प्रोमोज देखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एक्टर्स सारे मंजरी हुए एक्टर्स हैं इसमें, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड, आई एम वेटिंग टू वॉच द फिल्म नाउ। बस अभी शुरू होने वाली है, सो आई एम गोना गो।
मंजरी बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं एंड शी इज़ प्रूव्ड हरसेल्फ ऑल द टाइम और उन्होंने बहुत अलग अलग टाइप की फिल्में की हैं. अभी कॉमेडी मैं भी पहली बार देख रही हूँ, मैंने उनको पर्सनली देखा हुआ है, शी इज़ अ वेरी नाइस कॉमेडियन. अभी मैं फिल्म में देखने वाली, क्योंकि फिल्म और रियल लाइफ बहुत डिफरेंस होता है. सो आई एम रियली ईगली वेटिंग टू वॉच हर हर कॉमिक टाइमिंग फॉर श्योर. ये लाइन है काले हैं पर दीवाने हैं, बहुत पुरानी लाइन है. बिलीव करती हैं आप आई थिंक मैं बिलीव करती हूँ डेफिनेटली. काले वाले ज़्यादा दिल वाले होते हैं मेरे ख्याल से. आई थिंक दे आर वेरी मोर क्लीन हार्टेड. गोरे वाले भी होते हैं बट काले वाले थोड़ा ज़्यादा होते हैं. दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स पीपल, ह्यूमन बींग एंड जेनरॉसिटी. सो आई थिंक यस, काले वाले दिल वाले होते हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बाबा ब्लैक शिप. एक तो मनीष पॉल हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, विश्वास पंड्या बहुत टैलेंटेड हैं बिकॉज ही खुद एक्टर रह चुके हैं, तो ऑन द होल और अनुपम खेर साहब, अनु कपूर जी हैं, स्टार कास्ट और सब कुछ देख के लग रहा है कि ये फिल्म 100% चलेगी. और जिस हिसाब से बस है, मनीष भी बोल रहा था यार जितनों को बुलाया सारे लोग आ गए. जब ऐसा सब माहौल बनता है तो फिर वो फिल्म का चलना 100% तय हो जाता है. और ये फिल्म मेरा दिल कहता है कि चलेगी, और मनीष के लिए और पूरी टीम के लिए मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि फिल्म ज़रूर चले. सारे बहुत सारे टैलेंटेड हैं. सी ऑल माय फ्रेंड्स, दे ऑल आई वर्क विद ऑल ऑफ देम. और मैंने मनीष के साथ किया है, अनुपम खेर साहब के साथ, अनु कपूर जी, केके के साथ. तो जब बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स एक जगह पर होते हैं तो उसका रीज़न यही होता है कि दे लव द स्क्रिप्ट. और यहाँ पर उन्होंने पैसे के लिए फिल्म नहीं की, उन्होंने कहानी अपने किरदारों को देख के की है और उन लोगों ने ये फिल्म की. और 100% ये फिल्म जिस तरह से अभी एक फिल्म और टी2 की सोनू की ट्विटी की स्वीटी 100 करोड़ कर दिया. तो इमेजिन, आई वाज जस्ट टेलिंग मनीष पॉल की यार तुम्हारी ये फिल्म भगवान करे उसी तरह चले. हाँ, मैं भी काला हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ. तो मतलब या काले हैं तो दिलवाले हैं, ये अच्छा एक पुराना सेइंग है. बट ये फिल्म के साथ बड़ा कैच हो रहा है क्योंकि बाबा मनीष का नाम है फिल्म में, बाबा, तो बाबा ब्लैक शिप, सो एक अट्रैक्टिव सा नाम है और एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी, यू नो. सो या प्रे करते हैं चले फिल्म. मेरी माँ को मैं बहुत प्यार करता हूँ. हर आदमी अपनी माँ को प्यार करता है. हमारी माँ की वजह से हम धरती पर आते हैं. तो मदर्स डे तो रोज़ होता है, एवरी डे. मैं अपनी माँ का रोज़ पैर छूता हूँ. वो गांव से उनको यहाँ बुला लिया बिकॉज दे आर ओल्ड नाउ, तो मैं अपने साथ रखता हूँ और रोज़ उनके पैर छूता हूँ. और जब भी निकलता हूँ शूटिंग पर माता पिता के पैर छू के निकलता हूँ और मुझे बहुत शक्ति मिलती है बिकॉज उन्हीं की शक्तियों की वजह से मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ और लोग प्यार कर रहे हैं मुझे. वेल, ये बात निकल गई. मैं ऐसे क्योंकि मैंने जब मैं स्ट्रगल करता था मेरी मदद किसी ने नहीं की थी. जब मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी, जब मेरी बिटिया पैदा हुई थी और वो अस्पताल से उसको निकालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने ब्याज पे इंटरेस्ट पे पैसे लेके निकाले थे. तो मुझे वो सारे गम लाइफ के पता हैं. जब मुझे मेरा खेत छुड़वाना था जो गिरवी था, तब मेरे पास किसी ने मदद नहीं की. तो मुझे ऐसा लगा था कि जब भगवान से बोला था जब मेरे पास पैसे आएंगे, मेरे पास जब मैं उस मेरी कुव्वत उस लायक होगी कि मैं कुछ मदद कर सकूँ, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों की करता रहता हूँ जब भी मेरे नॉलेज में जो आता है, जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से.
आई ट्राई माई बेस्ट एंड एक मानवता की निशानी है. लेकिन जेन्युइनली क्योंकि मेरी किसी ने लाइफ में इनिशियल डेज पे जब मैं फकीरियत में था, स्ट्रगल करता था, तो किसी ने मदद नहीं की थी, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जहाँ तक मेरी नज़र में जो आए. मैं आज एक भोजपुरी इंडस्ट्री की आप रचना इसी वजह से की कि कई हज़ारों लोगों को का चूल्हा जले और भगवान मेरा साथ देते रहते हैं और मेरी उसमें मेरी ग्रोथ होती है और मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है. आज यहाँ सब बोल ढूंढते हुए आ गए हैं बाबा ब्लैकशिप को. और मनीष पाल बहुत ही अच्छा दोस्त है और जब भी वो कोई चीज़ करता है वो अलग ही होती है. एंड ये डबल बुनांजा हमारे लिए क्योंकि हमारे जो जिन्होंने फिल्म बनाई है वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं. और ये वी हैड टू बी हेयर, सो मी ब्रदर्स आर ऑलवेज विद मनीष वट एवर ही डज, एंड प्राची शाह एंड विश्वास, ये तीनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं. सो वी हैड टू कम एंड कंग्रेचुलेट देम. और ऐसा लग रहा है कि फिल्म बहुत मस्त होने वाली है. काले हैं दिलवाले हैं वैसे कोई एक बहुत जो कोई गाने में आ जाती है लाइन तो बहुत हिट हो जाती है. काले हैं पर दिल, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि एक अच्छा मेटाफोर है और वो बहुत कुछ कहता भी है कि इसमें छोटी सी लाइन में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं कि कोई भी किसी को ऐसे जज ना करे रंग की वजह से या कास्ट की वजह से या उसकी हाइट की वजह से या उसके कम पढ़े लिखे होने की वजह से. जो जिन लोगों ने दुनिया बनाई है और जिन लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, जो अलग अलग फील्ड में जो धुरंधर हुए हैं, उन्होंने कभी भी नॉर्मल तरीके से नहीं बने, वो अलग थे. तो ये लाइन ये उस चीज़ को सिग्निफाई करती है और ये कॉमेडी वे में आएगी फिल्म में, तो आई एम श्योर फिल्म के साथ अच्छी जाएगी. थैंक यू. मनीष के साथ हमेशा एक्साइटमेंट रहती है, बहुत मेरा दोस्त है. हम लोग ने साथ में काम भी किया था तेरे बिन लादिन में, तो एक्साइटमेंट तो है. मेरे फादर भी फिल्म में हैं और मैं विश्वास जी को काफ़ी सालों से जानता हूँ, तो ऑलमोस्ट घर की फिल्म है, तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगा, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जी जी जी. अरे ऑल द बेस्ट पिक्चर तो अभी देखेंगे, बट आई एम श्योर इज डन अ ग्रेट जॉब. हमेशा उनका इंक्लिनेशन था क्रिएटिवली, तो आई एम श्योर इज डन अ रियली गुड जॉब. दैट्स व्हाई वी आर हियर, एक्साइटेड टू सी इट. और ट्रेलर के हिसाब से तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग नहीं रहा कि उनकी पहली फिल्म है. अनु कपूर जी है, बहुत कमाल के व्हाट एन एक्टर. जी खेर साहब भी हैं. ये मूवी के लिए उन्होंने लॉस नहीं किया था, पहले मैं आपको ये बता दूं. उन्होंने बस जनरली वेट लूज़ किया था काफ़ी टाइम से, तो वो तो एक्सरसाइज और सेहत बनाने के लिए किया था. मुझे तो समझ में नहीं आता ये सब, बहुत मुश्किल सवाल कर रहे हैं. काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, मतलब दिलवाले हैं तो दिलवाले हैं भाई, दिलवाले हैं बस, यही मेरा बिलीफ है. जय बजरंग बली. हाँ थैंक यू. यार अच्छी फीलिंग है क्योंकि मेरी पहली फिल्म रिलीज होने जा रही है और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी. सो दोनों फीलिंग्स एक साथ है. यार बहुत ही काइंड है अगर ऐसा बोल रहे हैं तो, मेरी पहली है तो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग ऐसा बोल रहे हैं. आपकी मैडम, आई मीन आपकी धर्मपत्नी का मैंने इंटरव्यू किया था दो दिन पहले, वो बहुत ही एक्साइटेड है. ऐसा कहना है कि
करना चाहती हूँ कि वो मुझे डांस भी कराए, तो आप बताइए। डांस तो मुझे करवाना आता नहीं है, बट एक्टिंग ज़रूर कोशिश कर सकता हूँ कि उसे एक एक्टिंग रोल दूँ। डांस का मैं नहीं बोल सकता। यार अभी तो इसको अच्छे से रिलीज कर लें, फिर कोशिश करते हैं कि लिखना कि कैसे लिखें इसे। यार बहुत ही आसान था क्योंकि ये लोग सब अपना काम जानते हैं, तो इसलिए मुझे कोई मुश्किलात नहीं हुई इनको डायरेक्ट करने की। अनुपम खेर, अनु कपूर, के मैनन, मनीष, मंजरी, थैंक यू। यार इन फ्यूचर भी इस तरह की कोई फिल्म देखेंगे, कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर? यार मुझे कॉमेडी और क्राइम बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि देखें अभी क्या बनाता हूँ नेक्स्ट। थैंक यू। यहाँ पर आए थे तो ऐसी कुछ बातें हुई कि इन फ्यूचर में एसोसिएट करेंगे आप, तो सलमान भाई को लेकर बातें करेंगे, कोई फिल्म बनाएंगे, ऐसा हम माने? ऐसा कुछ नहीं। अरबाज, मंजरी और मनीष दोनों को जानते हैं, इसलिए यहाँ आए थे हमें विश करने, और आई एम सो हैप्पी दैट ही केम। थैंक यू सो मच। थोड़ा लेट, हाँ चलो चलो। ओके, तो अब तक जितने भी लोग का फीडबैक मिला होगा, वाइफ हूँ, हाँ नहीं, ऑफकोर्स अभी तक इंटरवल के बाद ही मिली हूँ मैं लोगों को, तो उनको बहुत अच्छी लग रही है, हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो जाहिर है कि बहुत खुशी की बात है। एंड उम्मीद करती हूँ कि लोगों को पूरी पिक्चर अच्छी लगे और वो जाके और भी लोगों को बताएं कि वो जाके ये फिल्म कल से देखें थिएटर्स में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Yes, that's all I can wish my husband. So, are you happy that debut director ki debut film logo pasand aa rahi hai? Of course, I'm very happy. Mere husband ki film hai, Vishwas ki, aur unhone likhi hai, direct ki hai, pehli film hai. Aur abhi bahut jaldi hai, matlab aaj kal release ho rahi hai, to main of course yahi ummeed rakhti hu ki log dekhenge, pasand karenge, because it's we don't have a star. It's more of the content and we have some amazing actors. इन फ्यूचर हम देखेंगे कि जो डेब्यू डायरेक्टर हैं जी, आपको कभी डायरेक्ट करेंगे ऐसे हम ऐसी प्लानिंग वैसे नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, नहीं बातें ऐसी वाली इस फिल्म को लेकर तो बिल्कुल नहीं हुई। आगे ऑफकोर्स वाई नॉट, अगर कुछ होगा तो हम वैसे बहुत प्रोफेशनल हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हुआ तो डेफिनेटली वाई नॉट। ओके मैम, आपके तरफ से कुछ इनपुट था बाय डायरेक्शन जब सर लिख रहे थे या कुछ? नहीं, उन्होंने कहा कि हम डिस्कस हमेशा करते हैं, पहले सीन जो लिखा है तब से लेके आज तक हर चीज़ डिस्कस हुई है, कास्टिंग डिस्कस हुई है, प्रोडक्शन डिस्कस हुआ है, बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। तो ऑफकोर्स मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म मेरे लिए भी है, हमारे घर के लिए भी है, तो हर चीज़ डेफिनेटली डिस्कस होती है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और फिर पति पत्नी हैं, तो प्रोफेशनल इज़ अ वेरी ग्रेट रैपो दैट वी शेयर, और हर चीज़ हम एक दूसरे से पूछ के ही करते हैं। तो आई थिंक फॉर मी इट इज़ अ ग्रेट प्राउड मोमेंट, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, हम सभी जानते हैं कि आप बहुत ही फैंटास्टिक डांसर हैं कथक जी, और बहुत जन ऐसा चाहते हैं कि आप अपना इंस्टीट्यूट भी खोलें, सो दे कैन ट्रेन, सो ऐसा कोई प्लानिंग आप फ्यूचर में? नहीं, प्लानिंग है, ज़रूर है, ऑफकोर्स है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं दो अलग अलग प्रोफेशंस में बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, एक्टिंग भी है, डांस भी है, मेरी बेटी है 9 साल की। इवेंचुअली प्लान है इंस्टीट्यूट का, मैं तभी करूँगी जब मेरे पास पूरा वक्त मैं उसे दे पाऊँगी, तो दैट इज़ इन द पाइपलाइन, होगा ज़रूर। अगर इस दोनों में से एक अगर चूज करना पड़े, एक्टिंग और डांस, तो आप क्या पसंद करेंगे? ये सवाल मुझसे हमेशा किया जाता है, लेकिन ऐसा मैं ब्लेस्ड हूँ कि दोनों चीज़ें, अब ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं अब दोनों चीज़ें करते हुए, तो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी करने की शक्ति मुझे भगवान दे, और ऐसा ही चलता रहे, बिकॉज दोनों मीडियम्स इतने खूबसूरत हैं कैमरा के सामने और स्टेज पे, दैट आई एम रियली ब्लेस्ड। ओके, तो आगे चल के आपको कब देखने मिलेगा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट या स्क्रीन? हाँ जी, मेरी एक फिल्म आ रही है मुल्क, अनुभव सिन्हा जी की, उसमें मैंने काम किया है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी फिल्म है, और डांस की शोज तो चलते ही रहते हैं मेरे, सो यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, आपकी फिल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।